नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नाग पंचमी के दिन रेस्क्यू टीम ने किया नाग की पूजा, सांप के महत्व को समझाना जरूरी, जितेंद्र सारथी। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले का सांपों को लेकर अपनी एक अलग पहचान है। जिले में बड़ी संख्या में सांपों का मिलना और विभिन्न प्रजातियों का मिलना अपने आप में अनोखा स्थान दिलाता है। वहीं सांपों का संरक्षण बहुत जरूरी है। सांप पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। अधिकांश प्राणियों में सांप शिकारी और शिकार दोनों हो सकते हैं। जब शिकार की एक बड़ी आबादी सांपों की एक बड़ी आबादी को आकर्षित करती है और उसे बनाए रखती है, तो वो सांप पक्षियों, स्तनधारियों और यहां तक कि अन्य सांपों का भी शिकार कर बन जाते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर रेस्क्यू टीम ने पूजा पाठ किया, साथ ही सांपों की रक्षा करने का संकल्प लिया और लोगों से भी अपील किया कि सांपों को न मारें, बल्कि वन विभाग या रेस्क्यू टीम को जानकारी दें ताकि दोनों को सुरक्षित किया जा सके। सांप के काटने से जिले में काफी लोगों की मौत के विषय में अपनी संवेदना जाहिर किया, साथ ही लोगों से सर्पदंश होने के बाद विलंब किए बिना अस्पताल पहुंचकर इलाज करवाने की बात कही ताकि जान बच सके, साथ ही झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ में केवल कोरबा जिले में किंग कोबरा पहाड़ चित्ती का मिलना बहुत अनोखी बात है, साथ ही किंग कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा विषधर सांप है। सर्वप्रथम आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में आज हमारा कोरबा जिला है, नागलोक के नाम से जाना जा रहा है। निश्चित तौर पे हमारे पूरे कोरबा जिले में विभिन्न प्रकार और काफ़ी प्रजातियां जो पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र पे और बहुतायत में सभी प्रकार के सांप जो पाए जाते हैं उसकी वजह से नागलोक बोला जाता है। साथ ही बड़ी मात्रा पर हमारे क्षेत्र पर सांप पाए जाते हैं और एक विश्व का सबसे बड़ा विषधर जो सांप है जिसको बोलते हैं किंग कोबरा, उसका मिलना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति महसूस कराता है। निश्चित तौर पे उनका संरक्षण अति आवश्यक है और हमारे क्षेत्रों पे सांपों का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं, तो इन सांपों को बचाना कहीं ना कहीं हमारे जैविक खाद्य श्रृंखला के लिए बहुत जरूरी है। और कहीं थोड़ी सी परेशानी है तो कहीं ना कहीं सर्पदंश के जो घटनाएं हैं वो भी एक सोचने का विषय है, पर उसमें बहुत सारे कारण ये हैं कि बहुत सारे जब स्नैक बाइट होते हैं तो लोग अक्सर झाड़ फूक का यूज़ करते हैं, झाड़ फूक मतलब कराने का काम करते हैं, जिसके वजह से ज़्यादातर लोग की मौत हो जाती है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट पे वो विलम्ब होता है, वो भी एक अमुख कारण है। तो इस तरीके से हमारे क्षेत्र में काफ़ी बड़े मात्रा में विभिन्न प्रकार के जो सांप पाए जाते हैं, जैसे कि आप किंग कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा है, कॉमन करेथ है, वही आपका बैंडेड करेथ है, रसल गुगरी है, स्ट्रिप किलबैक है, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो जीव सांप हैं वो हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो हमारे कोरबा को एक अलग ही पहचान देता है। तो निश्चित तौर पर इन सांपों को आप बचाएं, इनको मारे नहीं। जब भी ऐसे कोई आपको सांप दिखे हमें आप सूचना दें, हमारा काम है आप लोगों को सुरक्षित करना, प्लस इन जीवों को सुरक्षित करके सुरक्षित उनके स्थान जंगलों पे छोड़ना।